धीरे धीरे आम बसी जीवा दंडासन रे शिथिल दंडासन विश्राम अवस्था वर्तमान आम कमर जंत्रणा पाई एवं हिप्रे होता जंत्रणा पाई किछ अभ्यास करिबा किंतु जो मानको स्लिप डिस्क रो प्रॉब्लम थिबो से माने अभ्यास न करिबा भलो किंबा कोनोसी प्रशिक्षक योग थेरापी टीचर के पाखरु तत्वावधान रे करिबा निहाती आवश्यक। वर्तमान आमे एंकल स्ट्रेच करिबा गोटे गोटे गोड़ को श्वास छाड़िबा नबा साधारण रहिबो मैक्सिमम कंफर्टेबल स्ट्रेच उपरे ध्यान दबा बेसी एवं आरामदायक स्ट्रेच को एंकल्स रे अनुभव करिबा देखिबा मैक्सिमम सहज उपाय रे मैक्सिमम हेई पारुथिबो आमर पूरा पूरी ध्यान एंकल जॉइंट उपरे रहिबो मैक्सिमम बेसी एवं आरामदायक स्थिति रे स्ट्रेच करिबा एक शक्तिर संचार होउछि ताकु मध्य अनुभव करिबा। वर्तमान दुई एंकल को एका सांगरे श्वास छाड़ी अबा नबा साधारण रहिबो एक दुई तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस वर्तमान वर्तुलाकार पांच थर और वर्तुलाकार विपरीत दिगरे पांच थर एक घंटा घंटा दिगरे दुई तीन चार पाँच पुणी विपरीत दिगरे एक दुई तीन चार पाँच विश्राम करिबा। वर्तमान आंठू को एवं जंघर एवं हिप को स्ट्रेच करिवार किछ एक्सरसाइज करिबा सीधा बसिबा एवं आंठू को डाहाण आंठू को करिबा नियाणी की देह पाकु धरिबा पुणी छाड़ी दबा एक पुणी बां गोड़ा को समिति करिबा दुई सीधा छाड़ी दबा तीन सीधा छाड़ दबा चार सीधा छाड़ दबा पाँच सीधा छाड़ीबा छ सीधा छाड़ीबा सात सीधा छाड़ीबा आठ सीधा छाड़ीबा नौ सीधा छाड़ीबा दस धरिक रखिबा एवं मेरुदंड को सीधा रखिबा पेट छाती आ जंघ पर होतबा कंप्रेशन को देखिबा मेरुदंड एवं पिठीर मांसपेशी सीधा रखिबा दीर्घ श्वास प्रश्वास नबा आ छाड़िबा आंठू को सीधा रखिबा ठीक से प्रकार डाहाण गुड़ को मध्य आंठ पाखर मोड़िबा मेरुदंड को सीधा रखिबा हस हस मुह दीर्घ श्वास उपरे ध्यान दबा विश्राम दबा ढिला छाड़ दबा। वर्तमान दुई आंठ को लॉक करिबा दुई आंठ पाखरु मुड़िबा पाद मध्यरे एक रु डेढ़ फुट व्यवधान पादर स्थिति को बदलवा नहीं केवल दुई आंठ को सामने जोड़ीबा एवं व्यवधान करिबा दुई तीन चार पाँच साधारण श्वास प्रश्वास रहिबो छ सात आठ नौ दस होल्ड करके रखिबा द
धरिक रखिबा होतवा परिवर्तन को देखिबा एवं अनुभव करिबा आमर जंत्रणा कम हो जाइछि। दीर्घ श्वास प्रश्वास सहित यह अवस्था किस समय रहिबा श्वास नबा आउ छाड़िबा धीरे धीरे विश्राम करिबा दुई गोड़ को सीधा करिबा विश्राम नबा। आपण जगशक्ति कार्यक्रम को देखंतु आर्गस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को क्लिक करंतु।